हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं होममेड बेबी सेरेलेक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और कोई भी अपडेट मिस नहीं हो इसके लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करें। तो चलिए फटाफट अब ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के लिए घर में जो 6 से 24 महीने के बच्चे होते हैं उनके लिए घर में सेरेलेक कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई फ्रूट की। इसमें हम लेंगे बादाम, अखरोट, काजू और थोड़ी सी मूंगफली। अब बात करते हैं दालों की। इसमें हम लेंगे 2 चम्मच उड़द की दाल, इसके अलावा हम लेंगे 2 चम्मच के करीब मूंग की दाल। इसके बाद हम बात करते हैं चावल और गेहूँ की। तो इसमें हमने यूज़ किया गेहूँ का दलिया, ये भी 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने यूज़ किया राइस, वो भी 2 चम्मच। तूर और रहर दाल का मिक्सचर हमने यूज़ किया, वो भी 2 चम्मच है। और छिलके वाली मूंग दाल, ये भी हमने 2 चम्मच यूज़ किया। अब देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, हम एक बाउल लेंगे और जो भी मिक्सचर हमने सब दालों की और राइस की गेहूं की जो हमने मिक्सचर रखा हुआ है इन सबको उस बाउल में रखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने जो ड्राई फ्रूट लिया है उसे हमें इसमें मिक्स नहीं करना है, बिकॉज ड्राई फ्रूट ऑलरेडी बहुत क्लीन रहता है, बहुत सैनिटाइज करके पैक किया रहता है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ भूनने में करेंगे। अभी हम सिर्फ दालों को, जो भी हमारा राइस है, गेहूं है, दलिया है, इन सबको मिक्स करके अच्छे से उस बाउल में डाल। सारी चीज़ों को हमने एक जगह मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन सारे मिक्सचर को हमें 2 बार धोना है। 2 बार धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो दालें होती हैं या फिर राइस होता है वो काफ़ी पॉलिश किया होता है, और चूंकि इसे हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए इनको 2 बार अच्छे से हम धो के स्टेन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पानी यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको 2 बार अच्छे से एकदम रगड़ के धोना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी डाला और स्टेन कर लिया, दोनों हाथों से आपको अच्छे से रगड़ के इसको क्लीन करना, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ऐसा आप कम से कम 2 बार तो ज़रूर ही करें। इससे क्या होगा, जो भी केमिकल जो भी उसमें लगा होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छे से वॉश करना है। साबुत अनाज हमने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक प्लेट लेंगे और उस पर एक साफ सूती कपड़ा डालेंगे। आप कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली एक हैंडकरचीफ को मैं बहुत क्लीन करके रखती हूँ, उसको मैं यूज़ करती हूँ। सारे अनाज को इस पर हम फैला देंगे और इसको हम कहीं भी ड्राई कर सकते हैं। अगर बाहर अच्छी धूप निकली है तो आप वहाँ भी ड्राई कर सकते हैं, अगर नहीं धूप है तो आप घर में ही फ़ैन चला के इसको अच्छे से ड्राई कर दें। कॉटन क्लॉथ क्या होता है, वो पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, तो आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स को धो के रखा है उसका पानी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत अच्छे से वो ड्राई हो पाएगा। कुछ इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे ही उसको फैलाना है और उसको ड्राई करना है। तो लीजिए सारे सीरियल सब ड्राई हो गए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। और मैंने इसको क्योंकि बाहर अच्छी धूप थी तो मैंने वहाँ पे सुखाया है, तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है, अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे जो चीज़ों को हमने सुखाया है अब इसे हम वापस कढ़ाई में भून लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई यूज़ करेंगे और उसे गर्म करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको भूने तेल और घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम इसे प्रिजर्व करने वाले हैं। जैसे जो हमने बना जो हम बनाएंगे उसको हम प्रिजर्व करेंगे। आपको दिखा रही हूँ, आपको इसे लगातार चलाते रहना है, भूनना है। जब ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद आपको इसमें ड्राई फ्रूट डाल देना है। अब क्या है कि ये इसका जो कंसिस्टेंसी है वाटर का वो इक्वल हो चुका है ड्राई फ्रूट के, तो अभी अच्छे से साथ में भुन जाएगा। तो ऐसे ही आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अच्छे से रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं मैं सारी चीज़ों को तेज आंच पे रोस्ट कर रही हूँ। अब क्या है कि ये रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छे से दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा जब इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है तो मैं इसको वापस ग्राइंडर में पीसने के लिए रख रही हूँ। आप सारी चीज़ों को एक साथ पीस सकती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ग्राइंडर में भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये खराबी करेगा। तो आप सारी चीज़ों को पीस के एक फाइन पाउडर बना लीजिए। आप देख सकते हैं फाइन पाउडर बन गया है। अब क्या करना है, हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। इस मिक्सचर को आप 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकती हैं, बशर्ते आप इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर ना जाने दें। तो देखिए इस तरह मैंने एक डब्बे में इसको प्रिजर्व कर लिया है, इसे मैं बार बार बाद में यूज़ कर सकती हूँ। तो ये रही सेरेलेक कैसे बनाना है इसके बारे में बात। अब बात करते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे, बच्चों के लिए कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले 1 कप दूध लेंगे और उसे गर्म करेंगे।
आप देख सकते हैं दूध हमने चढ़ा दिया, अब ये गर्म भी हो रहा है। अब इसमें 2 चम्मच पाउडर हम डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाना इसलिए बोला जाता है ताकि कोई भी लम्प फॉर्म नहीं करे। इसमें आप थोड़ा सा शुगर भी बाद में ऐड करेंगी, भूनते वक्त हम नहीं ऐड करते, अदरवाइज ये खराबी करता है। तो अभी हम शुगर ऐड करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाने से क्या होगा, मिक्सचर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कहीं भी कोई भी लम्प फॉर्म नहीं करेगा। तो ये देखिए मैं लगातार चला रही हूँ, अब हमारा सेरेलेक बन चुका है। देखिए देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। तो कुछ इस तरह अगर उबाल आने लगे तो गैस को बंद कर देना। अब हमारा सेरेलेक बन चुका है और अब हम इसे बच्चों के लिए सर्व करेंगे। एकदम गर्म नहीं देना है, थोड़ा सा जब ये गुनगुना हो जाए उस वक्त आप सर्व कीजिए। आई एम श्योर अगर आपके बच्चे ये खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, उनकी हेल्थ में भी बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं पहले भी कहा है, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।